आज की हमारी थाली है तो बहुत ही सिंपल पर बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्विक बनेगी। उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि आप सभी के सपोर्ट और सहयोग से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और हाँ, मुझे बहुत बहुत सपोर्ट और बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम आज की थाली रेसिपी की तरफ। मैं आज पालक की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये आलू, प्याज और लहसुन और हमारी ये पालक ली है। इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है और पालक को भी मैंने क्लीन कर लिया, थोड़ा सुखा लिया है। और प्याज और लहसुन को भी मैंने कट कर लिया है और आलू को भी इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है। और हाँ, हमें पालक भी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है, इस तरीके से छोटा छोटा बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। सारी पालक को हम काट लेंगे और इतने ही इन्ग्रीडियंट्स है, बहुत ज़्यादा हमें इन्ग्रीडियंट्स नहीं चाहिए है। और आज की रेसिपी हमारी बताया ना बहुत ही सिंपल होने वाली है, तो देखिए। और पर हाँ, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनेगी फटाफट। सब्जियां तो हमारी कट हो गई हैं, तो इसे फ्राई करने चलते हैं। जिसके लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। और देखिए, जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। और ये देखिए क्या है ना कि पालक की जो सब्जी होती है, इसमें अगर आप हींग डालते हैं या लहसुन डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप ये ज़रूर डालें। और इसके बाद मैं 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डाल रही हूँ। जैसे ये कड़क जाएंगे, वैसे ही हम अपना इसमें लहसुन डाल देंगे। और जैसे ही लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद हम अपने कटा हुआ प्याज डाल देंगे और सभी को अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, है ना। और ये देखिए, ये इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हमें इतना ही इसे भूनना था। देख सकते हैं आप, ये लीजिए, अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और अपनी सब्जी को इसमें पलट देंगे। तो सबसे पहले हम आलू डाल रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है, इजी तरीके से बनाना है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें अपनी पालक डाल देंगे। सिर्फ पालक को इस पर डालना है, अभी चलाना इसको नहीं है, है ना। ऐसे इसको ढक देंगे आलूओं को अपनी पालक से, और स्वाद अनुसार हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ध्यान दें, सूखी सब्जी है, नमक थोड़ा कम ही रखें। और मीडियम फ्लेम पर इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे, जिससे हमारे आलू अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए, 5 से 7 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा था इसे, लेकिन चाहे तो आप बीच में एक बार चेक कर लें। और ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है पालक, तो ये इसको आपको बस पानी वानी तो मिलाना नहीं है, लेकिन जैसे इसको आप अच्छे से मिक्स करें, चला लें, जैसे नीचे लगे नहीं, तो एक बार चेक कर लें आलू पका या नहीं पका। अभी मैंने चेक किया तो मेरी सब्जी का आलू पका नहीं है, तो मैंने वापस से 4 से 5 मिनट के लिए ढककर रख दी थी। अब हम वापस से फिर से चेक करेंगे चला कर। और पानी भी देखिए उसका काफ़ी सोख गया है, ये लीजिए आलू हमारे पक गए हैं, लीजिए, है ना, पक गए हैं आलू। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अपने टमाटर इस पर ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे, दोनों ही मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और इसे भी हम मिला लेंगे कि जब टमाटर डालेंगे ना, तभी हमें इसमें ये मसाले भी ऐड कर देने हैं। और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और लगभग हमारी सब्जी अब बनकर रेडी हो गई है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसका पानी भी सारा का सारा सूख गया है और आलू हमें बहुत ज़्यादा इसमें गलाने नहीं है। लीजिए, सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो इसे हम बाउल में पलट लेंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं पराठे, है ना, ट्राइंगल पराठे। तो ये तिकोने पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे बचपन से, और देखिए बहुत ही ईजी है। और मैं नॉर्मली हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हूँ। थोड़ा सा हम इसको बेल लेंगे और बीच में इसके ऐसे करके घी लगाएंगे थोड़ा, और फिर इसके बाद एक फोल्ड वापस से मोड़ेंगे और फिर से वापस से घी लगाएंगे। बस इतना ही हमें इसे मोड़ना है। ये देखिए, तिकोना पराठा हमारा बन गया है। तो अब इसे हम बेल लेंगे। ये लीजिए, आटे की डस्ट लगा लगा कर हम इसे बेलेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठा। और अब हम इसे अपने तवे पे डाल देंगे। तो ये तवा हमें अच्छे से थोड़ा सा पहले गरम कर लेना है, है ना। तो और दोनों साइड से ऐसे करके सेक लेना है थोड़ा। इसके बाद हम इसमें घी लगाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेकेंगे। लीजिए,
पराठे अच्छे से रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए मैं तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप घी के पराठे नहीं खाते हैं या नहीं लगाना चाहते तो आप इसे तेल से भी बना सकते हैं। ये लीजिए हमारे पराठे भी बनकर रेडी हो रहे हैं, है ना, बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनता है। और इस तरीके से हल्का सा इसे बढ़िया दबा दबा कर सेकेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होगा। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे पराठे बना लेने। मैंने कहा था ना कि हमारी आज की थाली बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्विक बनती है, बट फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी थाली है। और इस तरीके से आप बनाना चाहें तो झटपट बनकर रेडी हो जाती है। और ये लीजिए हमारे सारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं और ये हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर पराठे के संग इस तरीके से खाएंगे इस सब्जी को। तो चलिए हम अपनी थाली परोस लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें सलाद रख रही हूँ, ये देखिए मैं थोड़े से लड्डू भी रख रही हूँ इस पर, और थोड़ा सा मैं दही रख रही हूँ। लड्डू भी मेरे घर के ही बने हुए हैं। नमक जीरे का दही आज खाना है तो ज़ीरा मैं नॉर्मली भून के रख लेती हूँ उसको पाउडर बनाकर। और इस तरीके से हम अपनी थाली को तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से मेरी रेसिपी, मेरा तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को अपना इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार देते रहें।